Very good evening friends. In this particular video, we'll talk about more about display advertising, ki how do brands are utilizing display advertising. So to start with, the basic objective of display advertising के काफी सारे हैं, but we have static images और animated images. आप लोगों ने ये ads सादे और animated ads आपने blogs पे, classifieds पे, forums पे, Google के networks पे आप लोगों ने जरूर ये देखे होंगे. The objective of running a display advertising is very simple. The idea is to have brand visibility and exposure. More of brand visibility and exposure and building brand. So, जहाँ तक sales और returns का बात है, lead generate का बात है, yes, display advertising काम करता है. लेकिन the primary objective is absolutely branding और visibility है. Okay, so brand recognition is one, exposure, second and third, revenue. रेवेन्यू से मतलब ये कि आप जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, सो यू आर प्रॉम्प्टिंग जो आपके विजिटर्स हैं और कस्टमर्स हैं टू टेक सम एक्शंस. वो शायद फॉर्म फिलअप करने का हो सकता है, या फिर ईमेल सब्सक्राइब करने का हो सकता है, या वीडियो अपलोड करने का हो सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट परचेस करने का हो सकता है. सो ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ब्रांडिंग एंड टू सेल. फॉर एग्जाम्पल, This is an example I am showing to you. This is a mobile phone. आपने शायद ऐसे advertisements आपने कहीं देखे होंगे जिसमें एक mobile phone है. Now you have buying mobile phone at 7500 and ये एक design है. So design जो यहाँ पर है gives a branding की, एक branded product का advertisement है, एक company का advertisement है. इसके साथ साथ आप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर product भी sell हो रहा है 7500. So when user are clicking on it, advertisement अगर अच्छा है तो what it will do? It will prompt user to click on this particular ad. If they click it, they will have a chance कि वो product को खरीद सकते हैं. So banner advertisements का जहां तक बात है, जो आप ब्लॉग्स, फोरम्स, क्लासिफाइड डायरेक्टरीज या फिर YouTube, Facebook पे जो भी आप देखते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं. जिसमें मेन जो टाइप्स हैं वो है स्टैटिक, एनिमेटेड, इंटरैक्टिव, वीडियो एंड एक्सपैंडिंग. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैनर्स जो कि बहुत कॉमनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. और इनकी खास बात ये है, सो व्हेनेवर यू रन एनी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आप जब भी आप करते हैं, so you have various targeting options, like you can have demographic targeting, like aap jis logo ko aap pahunchna chahte hain. If your product is for newborn baby, you can target to the two parents jinka umar 35-40 hai, jo shaadishuda log hai, you can target to married people. Geography, if you are active or selling product for example in Ahmedabad, you can specially target these ads on Ahmedabad basis as well. बिहेवियर का बात करूं तो बिहेवियर में इंटरेस्ट है, टारगेटिंग है, जिसके हिसाब से आप अपने एड्स को आप उनको दिखा सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं. एंड वेबसाइट टारगेटिंग, इवन इफ यू विश टू शो एड ऑन सम ऑफ द वेबसाइट, वी विल टेल यू मोर देन 90% ऑफ वेबसाइट्स आर विद गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, तो इट हैज ट्रिमेंडस रीच और आप वहां पर एड्स दिखा सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू पुट योर एड ऑन सम लीडिंग न्यूज पेपर ब्रांड पे, अगर आपको वेबसाइट पर एड दिखाना है तो भी आप वहां पर आप दिखा सकते हैं एड्स को. पूरे इकोसिस्टम का अगर बात करूं तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग चलता कैसा है और कैसा होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजर है, जो कि हम जैसे एडवर्टाइजर्स हो सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं. वी हैव पब्लिशर, पब्लिशर एक थर्ड पार्टी है जो कि कंटेंट प्रोड्यूस करने का काम करता है. एंड देन वी हैव एड नेटवर्क, जिनके साथ सारे वेबसाइट्स का पैचअप है, जिनके साथ सारे काम हो रहे हैं, जिसके अंदर एडसेंस जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, गूगल का प्रॉपर्टी है, और डबल क्लिक रिच मीडिया है. सो डबल क्लिक इज ऑल्सो एड नेटवर्क विच गिव्स एन ऑप्शन कि आप तमाम वेबसाइट्स पर अपनी एड्स को दिखा सके. जहां तक बैनर्स का बात है तो बैनर्स में वी हैव ये IAB इंटरनेशनल, ये IAB के हिसाब से किया गया है, जिसमें एक लीडर बोर्ड टाइप ऑफ बैनर होता है. लीडर बोर्ड, वी हैव लार्ज रेक्टेंगल, वी हैव मीडियम रेक्टेंगल, वी हैव स्मॉल रेक्टेंगल, वी हैव फुल बैनर, वी हैव वर्टिकल बैनर, एंड वी हैव वाइड स्काई स्क्रैपर बैनर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैनर्स जो कि हम वेबसाइट्स पे यूज करते हैं. और जहां तक डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का तो सवाल है, वी हैव इंप्लीमेंटेड मेनी प्रोजेक्ट्स, हमने देखा है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़िया काम करता है. थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को देखने के लिए. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गेट इनटू डेप्थ ऑफ इट कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैसे चल सकता है, कौन से टूल्स आप यूज कर सकते हैं. और आप हमें अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक लर्न डिजिटल मार्केटिंग को आप लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे आप ब्रांड वेदा AHM को फॉलो करके अपडेट्स ले सकते हैं. थैंक्स अ लॉट, कीप ड्रीमिंग, कीप मूविंग.